राजधानी दिल्ली में अपहरण के शक में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवक ने खजूरी खास इलाके में भरी दोपहर ही एक 4 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और तब तक पिटाई की जब तक कि जान न निकल गई। अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक अब तक कोई चश्मदीद नहीं मिला जो ये बता सके कि बच्ची को बोरे में भरकर भाग रहा था। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर गैंग को बेनकाब किया है जो दिल्ली NCR कॉलेज की छात्राओं और युवतियों को निशाना बनाते थे। गिरोह के सदस्य लड़कियों की असली फेसबुक प्रोफाइल से जानकारी और फोटो जुटाकर उनकी फर्जी प्रोफाइल बनाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ये गैंग फेक प्रोफाइल बनाने से पहले अपना शिकार खोजता है, फिर उसकी जानकारी जुटाता है, उसके बाद फेसबुक पर जाकर उनकी फोटो उड़ा लेता है। इस गैंग के जाल में DU की 2 छात्राएं, एक कारोबारी की पत्नी और गाजियाबाद की एक महिला पत्रकार भी फंस चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो सोशल साइट पर यूरोपीय देशों में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों को ठगता था। हाल ही में इन शाति नटवर लालों ने ऑटोमोबाइल इंजीनियर और एक होटल मैनेजमेंट के छात्र को नकली अपॉइंटमेंट लेटर थमाकर 6 लाख रुपए ऐंठे थे। पैसे लेने के बाद जब आरोपियों ने फोन उठाना बंद किया तो उन्हें शक हुआ। बाद में जांच करने पर पता चला कि उनके साथ जालसाजी हुई है। दिल्ली से सटे सोनीपत में बेखौफ बदमाशों ने सिर्फ 30 मिनट में 3 बैंकों को लूट लिया। बाइक सवार फिल्मी अंदाज में बैंक में दाखिल हुए और गार्ड को गोली मारकर बैंक से सारा कैश ले उड़े। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने कुल 25 लाख की लूट को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस उसी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना बाबा हरिदास नगर इलाके में हुई। बताया जाता है कि घरेलू कलह की वजह से पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। चेन्नई में एक शख्स ने सरेआम एक लड़की की हत्या कर दी। रेलवे स्टेशन के पास गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी गई। वारदात की तस्वीर CCTV में कैद हो गई, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया है। पुलिस सुरक्षा लेने के चक्कर में एक और शिवसेना नेता को खुद पर गोली चलवाने का ड्रामा करना महंगा पड़ गया। लुधियाना पुलिस ने ड्रामा रचने के आरोप में शिवसेना नेता RD पुरी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि RD पुरी पर मार्केट की 2.5 करोड़ रुपए की देनदारी थी और वो देनदारों पर रौब झाड़ने के लिए पुलिस सिक्योरिटी चाहता था। गुरुवार को शिवसेना नेता अमित अरोड़ा ने भी पुलिस सुरक्षा लेने के चक्कर में खुद पर गोली चलने का ड्रामा रचा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रेमी के संग भागी एक लड़की ने पुलिस प्रशासन को 3 दिनों तक परेड करवाई। लड़की ने ऐसी चाल चली कि पुलिस 3 दिनों तक बदबूदार सीवरेज प्लांट में लड़की की लाश तलाशती रही। इस तलाशी अभियान के लिए पुलिस ने सीवरेज प्लांट से 3 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बाहर निकाला। 3 दिन के बाद पुलिस को राहत मिली जब वो 15 साल की लड़की करौली में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में जमीन का विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि आदिवासियों ने एक किसान और उसके बेटे पर तीर धनुष और गंडासे से हमला बोल दिया। इस हमले में किसान के बेटे की मौत हो गई जबकि किसान अशोक सिंह अस्पताल में भर्ती है। हत्या के बाद गुस्साए गांव वालों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। उज्जैन में लोकायुक्त ने घूसखोर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की टीम ने कांस्टेबल को रंगे हाथों धर दबोचा। पकड़े जाने पर कांस्टेबल सफाई देता रहा, लेकिन हाथों में लगे रंग ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सारे पेपर ठीक होने के बाद भी कांस्टेबल उससे पैसे मांग रहा था। जन लोकपाल समेत 14 बिलों के लौटाए जाने से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच फिर से टकराव की नौबत आ गई है। केंद्र सरकार ने 14 बिलों को इस दलील के साथ लौटा दिया कि सारे बिल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। बिल लौटाए जाने से नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि मोदी का नारा न काम करूंगा न करने दूंगा। केजरीवाल ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि क्या केंद्र को हर कानून रोकने का हक है? क्या केंद्र दिल्ली सरकार का हेडमास्टर है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि एक चुनी हुई सरकार को आप काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली विधानसभा में LG को समन किए जाने की खबरों को लेकर विवाद गहरा गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी है। दिल्ली विधानसभा की पिटीशन कमेटी ने LG को समन भेजने के संकेत दिए थे। अपने अपने दायरा में काम करें, जो जिसको काम मिला है संविधान के अंदर में जो लिखित हम लोगों का प्रावधान है उसी में ही हम लोगों का सोच समझ कर काम करना चाहिए।
इंग्लैंड में यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के पक्ष में हुए जनमत संग्रह के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का राग फिर से तेज हो गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इंग्लैंड के बाद अब दिल्ली में भी जनमत संग्रह होगा। उन्होंने लिखा कि दिल्ली को यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो पुलिस, जमीन, नौकरशाही और तीनों नगर निगम राज्य सरकार के अधीन आ जाएंगे। केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि पहले घोटालों पर जवाब दें दिल्ली के मुख्यमंत्री। टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा कि 17 महीनों तक कंपनी को क्यों पैसा देते रहे। बीएसपी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मौर्य और बीजेपी में सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि मौर्य के आने से यूपी में ओबीसी के बीच जनाधार बढ़ेगा। मौर्य फिलहाल दिल्ली के यूपी सदन में रुके हुए हैं। मौर्य के समाजवादी पार्टी में भी जाने की अटकलें थी, लेकिन दिल्ली रवानगी से पहले यूपी सरकार पर हमला बोलकर मौर्य ने साफ कर दिया कि उनका पड़ाव समाजवादी पार्टी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होगी, जिसमें मुख्तार अंसारी के साथ साथ 5 कैबिनेट पोस्ट पर भी फैसला लिया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में नाराजगी की खबरों के बाद पहली बार इस बैठक में दोनों आमने सामने होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बद्रीनाथ धाम का दर्शन करेंगे। टोटके की वजह से उनका हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से पहले ही लैंड करेगा और फिर वो आगे का सफर कार से करेंगे। बद्री विशाल के दर्शन के बाद अमित शाह हरिद्वार में एक रैली को संबोधित करेंगे। आज कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की किस्मत का फैसला होगा। अनंतनाग उपचुनाव सीट पर वोटों की गिनती आज होगी। इस विधानसभा सीट के लिए सिर्फ 33.9% वोटिंग हुई थी। अलगाववादी संगठनों ने भी महबूबा मुफ्ती को हराने का आह्वान किया था। भारत को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता मिलने का रास्ता जहां साफ हो गया, वहीं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने की राह में चीन ही रोड़ा बन गया। सियोल की स्पेशल मीटिंग में चीन समेत 6 देशों ने एनएसजी में भारत की एंट्री का विरोध किया। सभी ने पहले एनपीटी पर दस्तखत करने की दलील रखी, लेकिन अमेरिका को अब भी भरोसा है कि साल के अंत तक भारत का एनएसजी में दाखिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सियोल बैठक के फौरन बाद ओबामा प्रशासन के अमेरिकी अधिकारी ने ये बात कही। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज मोतिहारी गैंगरेप पीड़ित और उसके परिवार वालों से मिलेगी। गैंगरेप पीड़ित की हालत अब भी गंभीर है। एनसीडब्ल्यू की टीम सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के निर्भया कांड में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में देरी और पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। केंद्र सरकार ने भी पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। देर शाम बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई के अलावा कोंकण और गोवा के तमाम इलाकों में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। अनुमान है कि अरब सागर से लगे हुए वेस्टर्न घाट इलाके में नम हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के दौरान नशे के ओवरडोज की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा पुलिस में 10,000 सिपाही की भर्ती के लिए कुरुक्षेत्र में राज्य भर से हजारों युवा फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए जुटे। 15 जून से शुरू हुई टेस्ट प्रक्रिया 4 जुलाई तक चलेगी और इसमें 5,00,000 से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। पुलिस भर्ती के लिए टेस्ट में 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में डोप टेस्ट न होने की वजह से कई लोग खुलेआम प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले युवकों को रोके जाने से बवाल हो गया। बीच सड़क पर ही युवकों की ट्रैफिक पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहा। बाद में उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आरआरसी के जवान बुलाए गए, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। यूपी के देवरिया में अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर गडेरिया की उपजाति धनगर ने सैकड़ों भेड़ों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और SC/ST आयोग ने भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश दिया है, लेकिन इसे देवरिया में लागू नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तब तक धरना चलता रहेगा। गिरिडीह के पिरटांड इलाके में माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली जख्मी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पारसनाथ जोन के जोनल कमांडर अजय महतो उर्फ टाइगर को सुरक्षित इलाकों में ले जाने के लिए 2 बड़े नक्सली नेता अनल और विवेक के दस्ते जंगल पार करा रहे थे, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई। गिरिडीह SP अखिलेश वी वरियर ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तरी डुमरी जरहा जंगल में सर्च अभियान की शुरुआत की, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त किया है, जहां एक लैपटॉप, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में अभी अकबर की महानता को लेकर उठा विवाद थमा भी नहीं था कि अब नया विवाद शुरू हो गया है।
इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संस्था राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के मुखपत्र में महान सम्राट अशोक को इशारों में भारतीय इतिहास का खलनायक बताया गया है। यही नहीं, इस किताब में बौद्ध धर्म को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के मुखपत्र बप्पा रावल के मई 2016 के अंक में प्रकाशित भारत कल आज और कल शीर्षक से लिखे लेख में सम्राट अशोक की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। बप्पा रावल के संपादक और लेखिका डॉक्टर राधिका लड़ा ने इस लेख में लिखा है कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि जो अशोक भारतीय राज्य की अवनति का कारण बना उसकी ही हमने अशोक महान कहकर पूजा वंदना की। बिहार के सीतामढ़ी में पंचायत चुनाव में 9 साल पहले मर चुकी महिला ने चुनाव जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया। सीतामढ़ी के टिकौली पंचायत में मिथिलेश देवी ने जीत हासिल की, लेकिन सच्चाई यह है कि 9 साल पहले मिथिलेश देवी की हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप उनके पति सिकंदर पर ही है। दरअसल सिकंदर ने अपनी दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के नाम पर चुनाव में उतार दिया ताकि वो दस्तावेजी दावा कर सके कि उसकी पत्नी जिंदा है और उसके खिलाफ केस फर्जी है, लेकिन उसकी पत्नी की जीत से उसकी पोल खुल गई। बीसीसीआई की तकनीकी कमेटी ने कई सिफारिशों पर मोहर लगाई। धर्मशाला में हुई तकनीकी कमेटी की बैठक में रणजी ट्रॉफी के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला किया गया। तकनीकी कमेटी ने विदेशों में मिनी आईपीएल के आयोजन को भी हरी झंडी दे दी। मिनी आईपीएल 10 से 15 दिनों तक चलेगा और इसमें 8 टीमें होंगी जिसमें विदेशी टीमें भी होंगी। हरमनजीत कौर विदेशी टी20 फ्रेंचाइजी का करार हासिल करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। हरमनजीत कौर का करार बिग बैश में सिडनी थंडर से हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद बीसीसीआई ने हरमनजीत को बधाई दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर विवादों में घिर गए। इस बार माइक फेंकने की वजह से उनकी आलोचना हो रही है। रोनाल्डो बुधवार को यूरो कप के मैच को लेकर रिपोर्टर के सवाल से बौखलाकर और माइक छीनकर तालाब में फेंक दिया। बाद में रोनाल्डो ने सफाई दी कि लगातार उनका पीछा किया जा रहा था। पुर्तगाल की स्टार टीम के साथ ही साथ घूम रहे थे तभी ये घटना घटी। बुधवार को ग्रुप एफ के आखिरी मुकाबले में हंगरी और पुर्तगाल का मैच 3-3 से ड्रॉ रहा था।